पान गिलौरी। आज की हमारी रेसिपी है पान गिलौरी, जिसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम छुआरा। छुआरे को हमने ओवरनाइट सोक कर लिया है 8 घंटे सुबह पानी से क्लीन करके, और इसको हम एक स्लिट लगाएंगे और इसके जो बीच में गुठली या स्टोन होता है उसको निकाल देंगे, इसको क्लीन कर लेंगे। इसी तरह बाकी सारे छुआरे मैंने क्लीन करके रख रखे हैं। एक छुआरा और मैं आपको क्लीन करके दिखा देती हूँ। आपको एक साइड स्लिट करना है और इस तरह से इसका स्टोन निकाल के ये हम फिलिंग करेंगे, इसलिए क्लीन कर रहे हैं पान की फिलिंग के लिए। यहाँ हमें चाहिए 3 टेबल स्पून शक्कर 250 ग्राम छुआरा के लिए। इसका हमें शुगर सिरप बनाना है, इसमें हम ऐड करेंगे लगभग 2.5 से 3 टेबल स्पून पानी। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। अब हम फ्लेम रखेंगे स्लो और शुगर को डिज़ोल्व होने तक इसमें हमें कुक करना है। तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं पान गिलौरी का। इसके लिए हमें चाहिए सूखे पान के पत्ते हैं, फ्रेश मिल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ये 1 टेबल स्पून बनारसी पान के पत्ते हैं। ये मीठी सौंफ है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून ये फ्रूट चेरी है। 1 टेबल स्पून पान सुपारी। 1 टेबल स्पून मिक्स सुपारी या पान मसाला जिसे बोलते हैं आप। ये कत्था सौंफ है 1 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून हमने लिया है बनारसी ड्राई पान। ये सब चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं मार्केट में। अब हम चेक कर लेते हैं शुगर सिरप। चीनी पूरी अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है, इसमें हम ऐड करेंगे क्लीन करे हुए छुआरे। फ्लेम इस रेसिपी में बिल्कुल स्लो ही रहेगा, आपको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको हिलाते हुए ऐसे पकाना है ताकि अच्छा सा कोटिंग आ जाए शुगर की छुआरों पे। अब हम मिक्सचर में ऐड करेंगे लगभग 2.5 से 3 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का बूरा, और उतना ही लगभग हमें चाहिएगा गुलकंद। गुलकंद आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। गुलकंद से अच्छे से बाइंडिंग आ जाएगी मसाले में, और हम शुगर सिरप के अलावा और कुछ मीठा ऐड नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारी पान गिलौरी है उसको स्वीटनेस भी देगा गुलकंद। हम चेक कर लेते हैं एक बार छुआरा कितना कुक हो गया है। अभी पानी दिख रहा है हमें, मॉइस्चर दिख रहा है, अभी हमें और कुक करना है। जब तक ये पानी पूरा ड्राई नहीं हो जाता हमें कुक करना है। तो ये हमारा शुगर सिरप का पानी बिल्कुल पूरा ड्राई हो गया है, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। अब इसमें 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है छुआरों को कुक करने में। अच्छे से कोटिंग आ गई है छुआरों पे। अभी हमारे छुआरे हम एक पैन में प्लेट में निकाल देते हैं। देखिए बहुत अच्छी कोटिंग आ गई है शुगर की। शुगर कोटिंग से छुआरा की शेप भी मेंटेन रहती है और थोड़ा सा कुक हो जाता है छुआरा, तो जो इसका रॉ फ्लेवर है वो चला जाता है, खाने में भी अच्छा लगता है। अभी फिलिंग से पहले हमें इसे थोड़ा सा ठंडा करना पड़ेगा, तो हम इसे रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए रख देते हैं। 10-15 मिनट बाद हम इसे फिल कर सकते हैं इजीली। ये जो मिक्सचर हमने बनाया है पान गिलौरी का मिक्सचर, इससे हम अच्छे से प्रेस करते हुए अब हम इस पर ऐड करेंगे एक फ्रूट चेरी। ये जो करौंदा की चेरी मार्केट में मिलती है वो चेरी है। ये टूथपिक से सिक्योर करेंगे इसे, तो बहुत इजीली हमारा पान गिलौरी बनके तैयार है। इसी सेम प्रोसेस से हम बाकी छुआरा भी फिल कर लेंगे।
बहुत इजीली बन के तैयार हो जाती है ये। देखिए इस तरह से हमने सारी पान की लौड़ी तैयार कर ली है। 250 ग्राम छुआरा से हमारी 25 से 30 पान की लौड़ी बन के तैयार हो गई है। बहुत इजीली और हेल्दी ऑप्शन है आपका। एज ए स्वीट भी आप काम में ले सकते हैं, एज ए माउथ फ्रेशनर, और बच्चों को तो ये मिठाई वैसे ही पसंद आती है। देखिए मैं क्लोजर व्यू दिखाती हूँ आपको। अब हम इसको थोड़ा सा सर्विंग के लिए पेपर लाइनर कप्स यूज करेंगे, डिश आउट करेंगे पान गिलौरी को। तो इस तरीके से हमारी पान गिलौरी बनके तैयार है। बहुत अच्छी एक ऑप्शन है अगर आपको मीठा कम खाना है और आप खाने में के बाद पान के शौकीन हैं, तो आप इस तरह से पान गिलौरी बना के रख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं एक हेल्दी रेसिपी, क्योंकि छुआरा इज़ रिच इन पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फाइबर। सो बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन है आपके पास। सो होप्स यू लाइक माई वीडियोज़। If you like my videos, do like, share, subscribe my channel and hit the bell icon and do comment in comment section. Thanks for watching.